हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी जेम असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, गेट, एसआरएफ, किसी भी मैथमेटिक्स रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके हम कुछ वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमें एग्जाम्पल नंबर 11 पर फिर सभी सब्जेक्ट्स की हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बना रहे हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग द रेडियस आर एट एंड सेंटर एट एक्सिस। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास इसमें पूछा गया है कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दो जिसकी रेडियस आर हो और सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन सिंपली होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जहां पे सर्कल की रेडियस होती है और a और k जो वो पॉइंट होते हैं जिसपे सर्कल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि सर्कल जो है वो x एक्सिस पर है, यानी k बराबर वहां पे जीरो है। तो k बराबर जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो k बराबर जीरो से हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर हमें क्या करना है, सिंपली बेसिकली इसमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको और x माइनस इस ए को रिमूव करना है। ए को रिमूव करना है, ये हमारा मेन एम है इसमें। तो इस एम के चलते हुए पहले इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या, तो हमारे पास ये आ गया टू एक्स माइनस ए, जो x माइनस ए का करेंगे टू एक्स माइनस ए, उसके बाद x माइनस ए का करेंगे चेन रूल से, तो x माइनस ए का हमारे पास वन हो जाएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो ये चूंकि आर जो है वो रेडियस है, जो आर जो है रेडियस है और रेडियस भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहां से देखें तो टू को कॉमन लेके काट सकते हैं, टू को कॉमन लेके जीरो की तरफ कर सकते हैं, तो इसको हटा सकते हैं टू को हम, तो ये टू को हटा दिया हमने। अब यहां से अगर हम देखें तो एक्स माइनस ए बराबर माइनस वाई dy upon dx, यानी x माइनस ए की जगह वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x माइनस ए की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू पुट की तो हमने हमारे पास आ गया ये y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी हमारे पास इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की, तो यहां से ये माइनस का माइनस है बट जब उसका स्क्वायर हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अगर हम ऐसे वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो गया वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर रेडियस जो है वो आर है और इसका कोई जो सेंटर है वो एक्सिस पे सेंटर होगा। तो इस तरह से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कई बार इसका क्वेश्चन एग्जाम आंसर इस तरह ना देकर इस तरह भी दे देते हैं। फ्रेंड्स, सपोज वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया। या इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर टू वन। तो इस तरह से मतलब किसी भी फॉर्मेट को दे सकते हैं, बेसिकली मोस्ट फॉर्म जो होती है वो ये फॉर्म होती है, इसको हम किसी भी तरह चेंज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने जो देखा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फैमिली ऑफ सर्कल जिनकी रेडियस आर है और सेंटर एक्सिस पे है उसकी इक्वेशन ये आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।